क्षीर सागर में शेषनाग शैया पर विराजमान भगवान श्री नारायण जी का मात्र नाम जाप करने से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं तथा माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से घर में समृद्धि ऐश्वर्य एवं वैभव की प्राप्ति होती है। ऐसे में समस्त भक्तगण सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु जी व माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने हेतु उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजन उपासना तथा व्रत करते हैं। इसी प्रकार ही भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए भक्त आमल की एकादशी पर विधिवत पूजन वंदन एवं उपवास करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को आमल की एकादशी या आंवला एकादशी मनाते हैं। आंवले के वृक्ष में श्री हरि व माता लक्ष्मी का वास होने के कारण इस दिन वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। माना जाता है भगवान विष्णु जी की प्रिय आमल की एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत एवं पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं अथवा घर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। आमल की एकादशी की पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर स्नान कर भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प लें। भगवान श्री हरि के समक्ष धूप घी का दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद भगवान को फल फूल आदि अर्पित करें। पूजन के बाद आंवले के पेड़ के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करके पूजन करें। यदि आपके घर के पास वृक्ष नहीं है तो आंवले को प्रसाद स्वरूप अर्पित करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार विधि विधान से व्रत प्रार्थना करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होकर कामनाएं पूर्ण करते हैं तथा अपनी कृपा बनाए रखते हैं।